औरतों के लिए शेल्टर हाउस है दारुल ईमान, ठीक है, मर्दों के लिए भी होगा ईदी हाउस, लेकिन आपने देखा कहीं कोई स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई शेल्टर हाउस हो? नहीं। मैं किसी के काम को बुरा नहीं कह सकती, मैं कोई नहीं होती किसी के काम को जज करने के लिए। आई थिंक सो पेट से बड़ी मजबूरी कोई नहीं होती। किडनैपिंग, रेप केसेस, कत्ल, सारा कुछ। एक तो मैं पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि मुझे कभी निग्लेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी निग्लेक्ट होने नहीं दिया। तो वो गलत काम करने के लिए जाता कौन है, उस जगह पे उनको लेके आता कौन है, वो ये सोसाइटी है। जस्ट बी योर सेल्फ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान एमन इसरार, और आज मैं मौजूद हूँ सनिया बासी के साथ, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं लेकिन अपनी तालीम को भरपूर तरीके से मुकम्मल कर रही हैं और एक मिसाल बन रही हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। सनिया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में। और इसके अलावा? और इसके अलावा मेरे पास जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा है और मेकअप का है। माशाल्लाह, लग भी रहा है, पूरी मॉड्स कोट्स ही हैं। अच्छा सुनिया, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो क्या गेटअप करके जाती थी वहाँ पर? मैं वहाँ पे पैंट शर्ट ही पहन के जाती थी, और वो भी लड़कों वाली, टू बी वेरी क्लियर। यानी कि आप मेल बन के वहाँ पर जाती थी? हाँ जी, प्रिटेंड करके, एक्ट करके, जितना कर सकती थी उतना। तो कितने परसेंट वो आप कामयाब रही एक्ट करने में? जीरो। क्यों, सबको पता चल गया? क्योंकि पता तो चल जाता है ना। अच्छा, तो सनिया, आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं या सेपरेट हो चुकी हैं? आई विजिट माई फैमिली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं लाहौर से। ग्रोथ भी लाहौर से? बिल्कुल। बर्थ प्लेस भी लाहौर? सब कुछ लाहौर से ही है। अच्छा, लाहौरी कुड़ी। अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कब किया गया हो आपकी ज़िंदगी में? एक तो मैं पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि मुझे कभी निग्लेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी निग्लेक्ट होने नहीं दिया। मैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, ये तो आपकी एग्जांपल है, ये तो आप दूसरे लोगों के लिए एग्जांपल है कि आपने कभी अपने आप को निग्लेक्ट होने नहीं दिया। थैंक यू। लेकिन मैंने कभी अपने आप को निग्लेक्ट नहीं होने दिया, मतलब अगर फैमिली में भी है, उसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने कभी निग्लेक्ट नहीं होने दिया। मेरे स्कूल फेलोज़ और मेरे कॉलेज फेलोज़, मेरे टीचर्स आज भी मुझे बुलाते हैं और याद रखते हैं। सनिया, अपनी फैमिली से कब सेपरेशन की थी? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने अपनी फैमिली से टोटली सेपरेशन की है, मैं अपनी फैमिली में आती जाती हूँ, लेकिन व्हेन आई केम आउट टू माय फैमिली, और उसके अलावा जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, और जब मुझे लगता था कि अब मैं मज़ीद प्रिटेंड नहीं कर सकती, अपने आप को नहीं रोक सकती वो होने से जो मैं हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली से थोड़ा सा गैप लिया, मैं फैमिली से साइड पर हटी। मैंने उनको साल में गैप लिया 2018। तब आप कितने साल की थी? तब आप 23। नाउ आई एम 25, दो साल पहले 2018 में। अच्छा, तो सनिया, आप ये जो मैं देख रही हूँ पीछे, काफ़ी कुछ इतना इंटरेस्टिंग सा है, ये पूरा आर्ट गैलरी बनाया हुआ, ये आपका खुद का आर्ट है या दूसरा? अच्छा, मैं इसका सारा क्रेडिट खुद नहीं लूँगी, इसमें मेरी फ्रेंड जो है, जो मेरे साथ रहती हैं, जो मेरी बेस्टी हैं, उनका भी टेस्ट है काफ़ी, और हम दोनों ने मिल के ये सारा जो है सेटअप किया, और कुछ एक दो मेरी और फ्रेंड्स हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, वो भी ट्रांसजेंडर्स हैं। हाँ जी, वो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, वो भी सारे एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं। हाँ जी। जो ट्रांसजेंडर सिग्नल्स पर भीख मांग रहे हैं या कोई बुरा काम करके अपने पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो भी तो आपकी तरह अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे बहुत प्रिविलेज मिली है इस चीज़ में कि मेरी फैमिली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जो थी वो सपोर्टिव थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन लोगों ने सब चीज़ों को साइड पर रख के एजुकेशन को मेनली फोकस रखा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी बाकी बहन भाइयों के लिए। कितने बहन भाई हैं आप? हम तीन बहन भाई। तीन बहन भाई हैं। और जो आपने पूछा कि जो सड़कों पे भीख मांगते हैं या बुरा काम करते हैं, मैं किसी के काम को बुरा नहीं कह सकती, मैं कोई नहीं होती किसी के काम को जज करने के लिए, क्योंकि हर इंसान अपनी मजबूरियों के मुताबिक और जो उनको चीज़ मिलती है, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, क्योंकि उन लोगों ने कमाना है, खाना है। आई थिंक सो पेट से बड़ी मजबूरी कोई नहीं होती, तो वो लोग अपने घरों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आए हुए हैं, और कोई उनको, उनसे हर कोई उनको ये पॉइंट आउट करता है कि आप बुरा काम कर रहे हो या आप किसी गलत काम में मुलव्वस हो, तो वो गलत काम करने के लिए जाता कौन है, उस जगह पे उनको लेके आता कौन है, वो ये सोसाइटी है, वो ये गवर्नमेंट है जिसने उनके लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि जो लोग अपने घरों को छोड़ के आते हैं वो किसी स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएँ, या उनके लिए, औरतों के लिए शेल्टर हाउस है दारुल ईमान, ठीक है, मर्दों के लिए भी होगा ईदी हाउस, लेकिन आपने देखा कहीं कोई स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई शेल्टर हाउस हो? नहीं। तो वो जो बच्चियाँ
14-15 साल की उम्र में घरों को छोड़ के आती हैं, तो वो फुटपाथ पे सोती हैं। फुटपाथ पे कोई भी सोना नहीं चाहता, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वो फुटपाथ पे सोने से फिर वो बेहतर समझती हैं कि हम दो वक्त की रोटी कमा सकें और अपना रहन सहन का गुजारा कर सकें। तो मैं किसी की भीख को गलत नहीं कहती, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनकी किसी की मजबूरी का उनकी, हम उनकी जगह पे नहीं आते, वी आर नॉट इन देयर शूज, तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या पेन है। अब आप किस मुकाम पे हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रही हैं? मैं इस वक्त जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, इसका नाम साथी फाउंडेशन है, और हम लोग जो है वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर काम करते हैं और उनकी हेल्थ पे काम करते हैं। उसके अलावा उनकी एडवोकेसी पे काम करते हैं, वॉयलेशन केसेस पे काम करते हैं। उसके अलावा द जेंडर गार्डियन के साथ भी मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं स्किल्स सिखाती हूँ अपनी कम्युनिटी को, और मैंने 4 बैजेस वहाँ से क्लियर करवा दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त जो है वो काम भी कर रहे हैं। सानिया, आप ट्रांसजेंडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट बी योर सेल्फ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे आपका काम है। सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रांसजेंडर और अपनी फैमिली के साथ रहता? रहते हैं, अब रहना शुरू हो गए हैं, सक्सेस स्टोरीज सामने आना शुरू हो गई हैं, लोग बोलना शुरू हो गए, क्योंकि जब तक आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था, तब तक आप अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकते थे। अब बहुत सारी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। मैं ये कहूँगी कि लकीली और अनलकीली के जो लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या पेशावर, इन जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, और वो अब सीख गए हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और जो जिन लोगों को अब अपने बारे में अंदाज़ा हो चुका है, वो सेंसिटाइज हो चुके हैं, उनको ये पता है कि उनके राइट्स हैं, वो लकीली अपने लिए बात कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए भी बात कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि घर से ही तबलीग स्टार्ट करनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए। काम शुरू हो गया है, मुझे लगता है आज से 10 साल पहले ये सब नहीं था जो आज है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी कोशिश ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं, उनके लिए, ताकि वो इस टाइम से सेंसिटाइज हो जाए, ताकि अगर उनके घर में इस किस्म की औलाद होती है, उनकी कोई, उनका कोई भाई इस तरह का या बहन इस तरह की है, तो वो उनको घर से उनको घर से बाहर ना निकालें, उनको अपने आप से दूर ना करें, क्योंकि हर बुराई उनके साथ तब होती है जब उनको उनके अपने छोड़ जाते हैं। किडनैपिंग, रेप केसेस, कत्ल, सारा कुछ इस तरह की जितनी सारी चीज़ें होती है, अगर उनके पीछे फैमिलीज होंगी और उनके पीछे सपोर्ट होगी, तो कोई भी इंसान उनकी तरफ उस तरह से उंगली उठाते हुए या हाथ उठाते हुए 10 दफ़ा तो सोचे। बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पुट करने लगी थी कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे, वो आपने खुद ही बता दिया। सानिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।